अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़। फोटो ले रहे साहब, आप पूरा चालान डाल दिए मेरे को। मैं बनता हूँ भी बोला साहब आपको, मैं नहीं बनता हूँ बोल के थोड़ी बोला साहब। आप थोड़ा तो इतना कोऑपरेट करिए बहन मेरे, जरा पहले से स्पेशल है आपको, मैं इतना रिक्वेस्ट करा। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ इसलिए छोड़ रहे, मैं साहब को माजिद हुसैन साहब को बुलाया। कितने देर से मैं जाफर हुसैन मेरा साहब को फोन करा, माजिद हुसैन साहब आए, क्या करूँ आप तो मिलता गाड़ी मेरे को नहीं है। आप गाड़ी दो, आप केस बुक करना है तो मेरे पे बुक करो। आप चालान वालान कुछ भी नहीं देते, कुछ नहीं होता। चालान वापिस पेशेंट है ना साहब, मैं बेगाड़ी के भी नहीं फिर। नहीं भाई, तुम एक बात बताओ, थोड़ा सर्कल क्या समझ रहे, क्या ये क्या है, यहाँ क्या यहाँ कहीं के उन्होंने सिंगम बना कर रहे हो यहाँ पे? मेरा नाम उनसे बड़े सिंगम है, यहाँ मत करो बोले उनको। मेरी बात सुनो, आप सर्कल को समझो, ठंडा पानी पियो बोलो, नहीं तो हम इफ्तार के बाद पानी पी गया तो परेशान होता उन्हें। यो जी केस बुक करो, क्या मेरे को बाहर जाना है? मेरे को देखो केस लो, मोहम्मद मायूसर एक्स मेयर हैदराबाद। बराबर करते बहुत करते, अभी बहुत चीजा करते नहीं। आओ ना, मुकाबला करो ना मेरा। फिरोज भाई अरे हम खुद समझ रहे हैं, आप ला प्रॉब्लम में है, आप ला परेशानी में, हम खुद कॉपरेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ। हमारे प्रेसिडेंट आपके साथ कॉपरेट करो बोल रहे हैं, आप लोग कॉपरेट कर रहे हैं, मगर उसका मतलब ये तो नहीं है ना। सब इधर आओ, यहाँ देखो जी, अब लियो मैं ऐसा लो फोटो नहीं जा रहे हो। आप कहाँ गाड़ी को, ऑटो का है? ऑटो गाड़ी पे आया था, गाड़ी में लाओ, नहीं तुम चाबी को गाड़ी लाओ, गाड़ी लाओ, कैसा चाबी में देते, गाड़ी लाओ तुम। कोई नहीं साहब, वो सर्कल को साहब ये कहीं करोगे साहब? अच्छा यही भेज दिए, फौरन भेजिए, डायलिसिस पेशेंट है। कहाँ है आपके सर्कल साहब? कहाँ है साहब? कहाँ है सर्कल साहब? कहीं को भाग गए सर्कल साहब? कहाँ भागे साहब? कहाँ भागे उनो? भाग गए कहीं को उनो? भाग रहे कहीं को उनो? तमाशा कर रहे क्या? डायलिसिस पेशेंट एक पूरे रिपोर्ट बताया तो कहीं को कर रहे साहब? क्या हुआ साहब? तुम्हारा कहीं को रोके? ये बंदे को कहीं को रोके? ये बंदे की क्या गलती है, क्या करा है? बोलो आपने को, बुजुर्ग है ना ये? कहा है सर्कल साहब? कहा है साहब? कहा है जी सर्कल? कहा है? ये पेशेंट है, इसको रोकने का क्या मतलब? हेलो ब्यूटी शेक, आप छोड़ दे सर्कल साहब, इनको कहीं भी पकड़ लो, थोड़ा पीछे हटो यार, क्या नसूस पीछे जाओ भाई, करा दो। अरे इफ्तार रोड पे खुला रहे, कौन सी इंसानियत है यार ये? वो डायलिसिस की पेशेंट उसके भाई चाह रहे आप हमारे से? निकले पेपर ये तो सर्कल का क्या दिमाग चला मेरे को? फिर उसके बाद यहाँ से भागे गए? अरे नहीं सर, टेंशन हमारे को नहीं है, हम डेली सुबह में हम भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इनके ऊपर क्या टेंशन है सर? छोड़ने की बात नहीं है, बात क्लियर करिए, क्या मसला क्या है आपसे? सर्कल साहब कहीं भाग गए? अरे भाई तुम चौरस्ते को रास्ता रखो, बताओ ना ये टाइम पे कहीं की मीटिंग उन्होंने देख ली है, ये हो रहे ये हो रहे, बात बढ़ गई, निकल जाओ यहाँ से, आपको छोड़ दिए। सुनो मैं ना ऐसे सही साथ है, बोलो Thank you.
भाई इधर उधर जाओ ना बस। मास्क लगाओ, हेलमेट लगाओ, वो आ तो एम्बुलेंस भाई इधर इधर जाओ बस। एम्बुलेंस ले लेके वो आ तो ले लो सही लगा दे लेकिन जब बात इधर आगे पे पड़ा और इसका मन मत जा रहा हूं। ये पूरे रिपोर्ट्स भी बताया हमें उनको, तो भी उन्होंने नहीं मान रहे। मैं बोला बेकारी का नहीं आया साहब, मेरी बहन की बहुत अचानक तबीयत ख़राब हो रही थी, इस वजह से मैं ज़रूरी निकल वासुकी हॉस्पिटल जाके आ रहा था। मैं बहन को अचानक लेके निकल गया था, तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, डायलिसिस करा के ला रहा था, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। मैं अचानक लेके उनको निकल गया, गाड़ी भी नहीं थी मेरी, फिर गाड़ी लेके मंगा के करके निकल गया साहब। फिर इतना रिक्वेस्ट किया सर सर्कल ट्रैफिक पुलिस से, मैं मास्टर टाइम पे खड़ा 6:30 से खड़े हुआ हूँ साहब, अभी 7:20 हो रहे, मैं रोज़ा भी यहीं खोला। मैं रिक्वेस्ट करा शहर से, मैं रोज़ा हूँ साहब, बहन को चक्कर आ रही, तो भी मुझे कोई कॉपरेट करने नहीं। मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ साहब को थोड़ा फ़ोन करिए, इत्तला करिए, क्योंकि मैं बहुत देर से मैं यहाँ पर बैठ चुका हूँ, मेरी बहन की भी बहुत तबीयत ख़राब है। मैं रिक्वेस्ट करा तो कुछ भी मुझे अरे तुरे बोल के खामोश बिठा दे, चुप बैठ खामोश बोल के बोल रहे। साहब से मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ, थोड़ा कुछ रिक्वेस्ट करूँ तो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे।